नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप सभी का स्वागत है डेस्टिनी एडुकेयर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं √5 + √3 या √3 + √5, बोथ आर सेम, दोनों सेम चीज है। तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं √3 + √5 इज इरेशनल। सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको लेट करना है, लेट √3 + √5 इज रैशनल नंबर। आपको ठीक है, तो हमने क्या करा, √3 + √5 को रैशनल माना है, तो हमें p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है, वेयर p एंड q आर को प्राइम। p और q क्या है, यहाँ पे को प्राइम है। अगर आप अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे √5 को इधर ही रहने दो, आप दूसरे साइड p अपॉन q है माइनस का, √3 को हम ले आते हैं, ये वाला √3 हम दूसरे साइड लेके आते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर कर लो। दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या होगा, √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन में q माइनस √3 का होल स्क्वायर होगा। √5 का होल स्क्वायर आप करोगे तो 5 ही हो जाएगा। यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² तो √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, माइनस का 2a, a क्या है हमारे पास p अपॉन q और b क्या है √3। ओके, इस 3 को आप इस साइड लेके आ जाओ तो 5 - का 3 इक्वल टू यहां पे क्या होगा, p² / q² -2p / q√3। ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन दे देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, 5 से 3 जाएगा तो क्या होगा, 2 होगा, और यहाँ पे क्या रह गया आपका, p² / q² - 2p / q√3। हमें क्या करना होता है कि रूट वाले को हमें एक ही साइड रखना होता है, बाकी सबको दूसरे साइड। तो ये वाला जो √3 वाला है, ये वाला पोर्शन आप इस साइड लेके आ जाओ, 2p / q√3 ये हो गया। उस साइड क्या होगा आपका, p² / q² - 2। ठीक है, यहां पे आप क्या करो, यहां लिखो, यहां से लिख दो 2p / q√3। दूसरी साइड हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 है हमारा, नीचे एलसीएम क्या होगा, q²। तो यहां पे क्या रह गया, p² - 1 से आप डिवाइड करोगे तो q² हो गया, 2q². यहां पे देखो, एक बार q है और यहां दो बार है, तो एक बार तो कट जाएगा। आपको क्या करना है, √3 को एक साइड ही रखना है, बाकी सबको यहां पे पहले जो है वो लिख लो, 2q² / q रह गया। यहां पे ये वाला देखो, ये वाला 2p जो है आप नीचे ले आओगे, यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई में 2p। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, यहां पे आप देखो कि लिखना है आपको p एंड q आर इंटीजर। ठीक है, p और q क्या है, इंटीजर है, इसीलिए p² - 2q² / 2pq जो नीचे है वो क्या हो गया, इज रैशनल नंबर। इसलिए क्या हो गया, रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इंटीजर का जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अब जब देखो आप, ये वाला पूरा नंबर अगर हमारे पास रैशनल है, ये रैशनल है, लेकिन आपको ये बात पता है कि √3 क्या है, इरेशनल है। तो वी नो दैट √3 इज इरेशनल। आपको क्या पता है, √3 इज इरेशनल। इधर वाला नंबर इरेशनल हो गया, इधर वाला रैशनल हो गया। यहां पे क्या है, इधर वाला क्या हो गया, रैशनल, इधर वाला क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है, एक साइड रैशनल और दूसरे साइड इरेशन हो गया। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। रेशनल इक्वल टू रेशनल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, इसीलिए सो
आवर एजम्पशन, यहां पे लिख देता हूं एजम्पशन, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। हमने क्या माना था, रूट 3 + √5 रैशनल है। अगर ये नंबर रैशनल नहीं है तो क्या है, अगर ये नंबर रैशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। तो 3 + √5 इज इरेशनल, ये यहाँ पे इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, सही हो गया। आई होप दो, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।